प्रतिहार शासक को रणहस्तिनिया युद्ध का हाथी की उपाधि दी गई थी। रण यानी कि युद्ध और हस्तिन जो युद्ध हाथी का पर्यायवाची है। ओके, तो रणहस्तिन की उपाधि से किस शासक को विभूषित किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन है, पहला है वत्सराज, बी है नागभट्ट, सी है ककुक और डी है रंजिल। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वत्सराज। वत्सराज को रणहस्तिन यानी कि युद्ध के हाथी की उपाधि भी दी गई थी। और फिर जो वत्सराज है वो हिंदू धर्म का भी उपासक था, भगवान विष्णु के साथ साथ हिंदू धर्म का भी संरक्षण करता था और इसने भागवत धर्म का संरक्षण होने के कारण इसे ब्राह्मण दुग्गल के द्वारा जयवराह की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? जयवराह की उपाधि दी गई थी। भागवत धर्म के संरक्षण के कारण इसे ब्राह्मण दुग्गल के द्वारा जयवराह की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। और दूसरे वत्सराज को कौन सी उपाधि, किस उपाधि से विभूषित किया गया था? रणहस्तिन की उपाधि भी इसने ली थी। तो वत्सराज है वो किसका पुत्र था? वत्सराज नागभट्ट प्रथम का पुत्र था। ओके, नागभट्ट प्रथम का पुत्र था। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, सबसे पहले हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम है रंजिल, और रंजिल के पुत्र थे नरभट्ट, तथा नरभट्ट के पुत्र कौन थे? नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम था उनकी पत्नी सुंदर देवी। नागभट्ट प्रथम था इनकी पत्नी सुंदर देवी के पुत्र थे वत्सराज, इनके पुत्र थे वत्सराज। तो वत्सराज के पुत्र कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे।